यूपी की सियासत में खेमेबंदी का दौर जारी है और इस बीच ओवैसी ने अखिलेश की पुरानी सहयोगी पल्लवी पटेल के साथ थर्ड फ्रंट के नाम से नया मोर्चा तैयार कर लिया है। दिलचस्प बात तो ये है कि अखिलेश की ही थीम पर मोर्चे को पीडीएम यानी पिछड़ा दलित और मुस्लिम नाम दे दिया है। अखिलेश के लिए एंड चुनाव के वक्त ये झटका जरूर है, लेकिन इस झटके से उबरने में अखिलेश को ज्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि पल्लवी पटेल का साथ छूटने के बाद अखिलेश यादव को पुराने साथी का साथ मिल गया है। विधानसभा चुनाव के बाद अलग हुआ महान दल एक बार फिर सपा के साथ आ गया है। महान दल के मुखिया केशव देव मौर्य ने मंगलवार को फिर से सपा को समर्थन देने की घोषणा कर दी। सपा उन्हें एक या दो सीट दे सकती है, हालांकि इन सीटों पर चुनाव चिन्ह सपा का ही रहेगा। केशव देव ने कहा कि अखिलेश यादव से महान दल की कोई नाराजगी नहीं थी। अब जबकि अखिलेश यादव और केशव देव मौर्य के दल और दिल दोनों मिल गए हैं, तो मौर्य ने इस बात को भी साफ कर दिया है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से महान दल की कोई नाराजगी नहीं थी। उनकी लड़ाई सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य या उन जैसे नेताओं से है जो समाज का वोट तो लेते हैं, मगर जब समाज के साथ अन्याय होता है तो उस वक्त बोलते नहीं। अब स्वामी प्रसाद सपा के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर स्वामी प्रसाद कुशीनगर से चुनाव लड़ेंगे तो मैं भी वहीं से चुनाव लड़ूंगा। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में महान दल को सपा ने दो टिकट दिए थे। साइकिल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाले उसके दोनों प्रत्याशी हार गए थे, जिसके बाद महान दल ने सपा से गठबंधन तोड़ लिया था। सपा ने भी केशव देव को विधानसभा चुनाव से पहले दी गई फॉर्च्यूनर कार वापस ले ली थी। हालांकि अब नई दोस्ती की इबारत लिखी जा रही है। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की, नए सिरे से गठबंधन पर बातचीत की और लोकसभा में दो सीटें मांगी। हालांकि अभी सपा ने सिर्फ आश्वासन दिया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में 2022 में सपा के साथ महान दल भी गठबंधन में शामिल था। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य की पत्नी सुमन को फरुखाबाद सदर और बेटे चंद्र प्रकाश को बिलसी से टिकट मिला था, लेकिन दोनों हार गए थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।